नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में। और आज हम आपके लिए RPSC सेकंड ग्रेड की करंट अफेयर्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन, प्रदेश की युवा निशानेबाज जिसने 9 मई 2018 को कोरिया के चियोंजू में आयोजित पैरा वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में जूनियर विश्व रिकॉर्ड कायम किया है, वो है अवनी लेखरा। अवनी ने 10 मीटर एयर राइफल प्रॉन मिक्स में 631.7 अंक स्कोर करते हुए यह उपलब्धि हासिल की है और इस स्पर्धा में विश्व के 47 निशानेबाजों में अवनी का 10वां स्थान रहा। अगला क्वेश्चन है, 15 मई 2018 को राज्य सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए कितनी अवधि की चाइल्ड केयर लीव लागू की है, तो वो है 730 दिन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के नए अध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं, वो है जसवंत सिंह विश्नोई। और जसवंत सिंह विश्नोई जोधपुर संसदीय सीट से सांसद व लूणी से विधायक रहे हैं और इससे पहले वह केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं। अगला क्वेश्चन, 30 अप्रैल 2018 को प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं, वो है DB गुप्ता। DB गुप्ता राजस्थान के 41वें मुख्य सचिव हैं। इन्होंने NC गोयल का स्थान लिया है। अगला क्वेश्चन, 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीतने में सफलता प्राप्त की है, वो दो खिलाड़ी हैं, अपूर्वी चंदेला और ओम प्रकाश मिठारवाल। राजस्थान के जयपुर की अपूर्वी चंदेला ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता तथा पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में सीकर के नीमड़ी गांव के ओम प्रकाश मिठारवाल ने 214.3 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता। ओम प्रकाश का राष्ट्रमंडल खेलों में पहला पदक है। अगला क्वेश्चन, 25 अप्रैल 2018 को स्थानीय निकाय क्षेत्र का हुडको राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया गया है, वो है स्थानीय निकाय निदेशालय राजस्थान। स्थानीय निकाय निदेशालय राजस्थान को यह सम्मान नगरीय निकायों में वित्तीय अनुशासन एवं वित्तीय सुदृढ़ता लाने के साथ आय बढ़ाने पर प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस पुरुष पैरा एथलीट को डिफरेंटली एबल्ड एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है, वह है सुंदर सिंह गुर्जर। वर्ष 2017 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ESPN मल्टी स्पोर्ट पुरस्कारों के तहत राजस्थान के पैरा एथलीट सुंदर सिंह गुर्जर को डिफरेंटली एबल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार चुना गया है। अगला क्वेश्चन, यंग फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली की ओर से यंग वुमन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वो है वृंदा कोठारी। वर्ष 2017-18 के लिए कोठारी के अलावा अलग अलग क्षेत्र की 12 प्रतिष्ठित युवाओं महिलाओं को सम्मानित किया गया। इनमें पूनम महाजन, मलाइका अरोड़ा और शगुन चौधरी आदि शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, 10 अप्रैल 2018 को बीकानेर स्थित प्रदेश के दूसरे तकनीकी विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया है, डॉक्टर HD चारण को। राज्यपाल एवं कुलाधिपति कल्याण सिंह ने डॉक्टर HD चारण को 3 वर्षों के लिए तकनीकी विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया और प्रदेश का पहला तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में स्थित है। अगला क्वेश्चन, 27 मार्च 2018 को राजस्थान में किसकी अध्यक्षता में व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है, वो है वसुंधरा राजे। व्यापारियों उद्यमियों के कल्याण, सामाजिक सुरक्षा या बीमा की योजनाएं बनाने, लागू करने, व्यापारियों की समस्याओं शिकायतों के निस्तारण अथवा सुझाव देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा और 10 करोड़ रुपये से व्यापारी कल्याण निधि की स्थापना भी की जाएगी। अगला क्वेश्चन, जयपुर के विद्याधर नगर को डिज़ाइन करने वाले आर्किटेक्ट कौन हैं जिन्हें आर्किटेक्ट क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार प्रिट्जकर आर्किटेक्चर से सम्मानित किया गया है, वो है बालकृष्ण V. दोषी। बालकृष्ण दोषी यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं। दोषी ने वर्ष 1984 में विद्याधर नगर को डिज़ाइन किया था। अगला क्वेश्चन है, BCCI की एंटी करप्शन यूनिट के चीफ पद पर नियुक्त हुए हैं, वो हैं अजीत सिंह शेखावत। 15 मार्च 2018 को राज्यसभा के लिए संपन्न चुनाव में प्रदेश से किन 3 सांसदों को निर्विरोध निर्वाचित किया है, वो है भूपेंद्र यादव, किरोड़ीलाल मीणा और मदनलाल सैनी। प्रदेश के लिए निर्धारित सभी 10 राज्यसभा सीटें
अब भाजपा के खाते में आ गई है। यह पहला मौका है जब सभी राज्यसभा सांसद किसी एक ही पार्टी से हैं। ध्यातव्य है कि राज्यसभा सांसद का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है, 13वीं और 14वीं राज्यसभा के सर्वश्रेष्ठ विधायकों का सम्मान 6 मार्च 2018 को किया गया। इससे वर्ष 2018 के लिए सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान दिया, वो है अभिषेक मटोरिया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की मूल की महिला जो खाड़ी के बहरीन देश स्थित व्यापार के सर्वोच्च शिखर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चुनी गई हैं, वो है बतुल बैन। अगला क्वेश्चन है, 18 मार्च 2018 को वर्ष 2017-18 का राष्ट्रीय राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के वार्षिक पुरस्कारों में सर्वोच्च मीरा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वो है दीप्ति कुलश्रेष्ठ। और ये आप पॉज करके पढ़ सकते हो, राजस्थान के किस निशानेबाज ने मार्च 2018 में जूनियर शूटिंग वर्ल्ड 2018 में कांस्य पदक जीते हैं, और वो हैं विवान कपूर। जयपुर के विवान कपूर ने जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। 16 साल के विवान ने व्यक्तिगत और टीम ट्रैप शूटिंग में ब्रॉन्ज अपने नाम किए हैं। अगला क्वेश्चन है, 11 मार्च 2018 को उदयपुर में आयोजित किए गए महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन के 36वें वार्षिक सम्मान समर्पण समारोह में आयोजित कर्नल जेम्स टोड सम्मान किसे प्रदान किया गया है, वो है प्रोफेसर जॉन स्ट्रेनन हावले। ये अन्य पुरस्कार है जो आप पॉज करके पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के लोकायुक्त जिनके कार्यकाल में 3 वर्ष की वृद्धि की गई है, वो है जस्टिस एस कोठारी। 23 मार्च 2018 राज्य सरकार ने लोकायुक्त एस कोठारी का जो कार्यकाल है वो 5 साल से बढ़ाकर 8 साल कर दिया गया है, और जस्टिस कोठारी का कार्यकाल 24 मार्च को समाप्त हो रहा था। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2018 में दुबई में आयोजित 10वीं फाजा इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले राजस्थानी पैरा एथलीट हैं, वो हैं सुंदर सिंह गुर्जर और संदीप मान सिंह। तो सुंदर सिंह गुर्जर ने जेवलिन थ्रो में 69.98 मीटर व डिस्कस थ्रो में 40.18 मीटर दूरी नापकर स्वर्ण पदक जीता। संदीप सिंह मान के ने 200 मीटर पुरुष स्पर्धा में 23.21 सेकेंड समय के साथ 400 मीटर में 50.99 सेकेंड व 100 मीटर दौड़ में 11.32 सेकेंड का समय निकाल स्वर्ण पदक जीते। प्रतियोगिता में उन्होंने कुल 3 स्वर्ण पदक जीते। अगला क्वेश्चन, 24 फरवरी 2018 को APJ अब्दुल कलाम विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो है राजयोगिनी दादी जानकी। स्वच्छ भारत मिशन की ब्रांड एम्बेसडर एवं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्य प्रशासिका 102 वर्षीय राजयोगिनी दादी जानकी को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम विश्व शांति पुरस्कार से नवाजा गया है, और दादी जानकी को नारी उत्थान समाज सेवा तथा विश्व शांति के श्रेष्ठ कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर की रहने वाली किस तैराक ने 47 किलोमीटर तैरने का नया रिकॉर्ड बनाया है, वो है गौरव सिंघवी। तो गौरवी ने यह उपलब्धि 6 फरवरी 2018 को जुहू बीच से गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई तक ओपन स्विमिंग में 47 किलोमीटर तैरकर की है, और गौरवी ने यह अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। यह दूरी उन्होंने 6 घंटे 22 मिनट और 45 सेकेंड में पूरी की है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2018 में राज्य चुनाव आयोग ने किस पैरा एथलीट को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है, वो है देवेंद्र झाझड़िया। देवेंद्र झाझड़िया को वर्ष 2017 का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2018 को 69वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में राजपथ पर आयोजित परेड का नेतृत्व करने वाली बाड़मेर की युवती हैं दीपिका चौधरी। अगला क्वेश्चन है, लड़ाकू विमान MiG-21 बाइसन को अकेले उड़ाने वाली देश की पहली महिला फ्लाइंग ऑफिसर बनी है, वो है अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी ने वर्ष 2010 में BTech में वनस्थली विद्यापीठ में प्रवेश लिया था, और अवनी मूलतः मध्य प्रदेश के रीवा की रहने वाली है। लड़ाकू विमान MiG-21 को भी निर्भीक अवनी ने अकेले ही उड़ाया था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस युवक को 22 जनवरी 2018 को रक्षा मंत्री कमेंडेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वो है भुवनेश राठौड़। कोटा निवासी राजस्थान से एकमात्र NCC वारंट ऑफिसर को रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने सम्मानित किया। पूरे देश से 4 कैंडिडेट्स को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, झुंझुनू निवासी प्रदेश के किस
बहादुर को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा वो है विकास जाखड़। तो रांची झारखंड में सीआरपीएफ में सहायक कमांडेंट पद पर कार्यरत विकास ने नक्सली हमले में बहादुरी का परिचय देते हुए 7 नक्सलियों को मारकर अपने साथियों की जान बचाई थी। 26 जनवरी 2018 को प्रदेश के किन 2 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है वो है नारायण दास महाराज एवं महाराव रघुवीर सिंह। इस वर्ष 85 लोगों को पद्म अवार्ड दिया जाएगा, 3 को पद्म विभूषण और 9 को पद्म भूषण और 73 को पद्मश्री प्रदान किया जाएगा। और जयपुर के संत नारायण दास महाराज को अध्यात्म व सिरोही के रघुवीर सिंह को साहित्य व शिक्षा में पद्मश्री दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के किस कलाकार को राष्ट्रीय अकादमी पुरस्कार 2017-18 प्रदान किया गया है वो है पंकज गहलोत। सेव अर्थ बॉय नेचर, ये पंकज गहलोत की इस कलाकृति है, इनके लिए उन्होंने उनको अवार्ड दिया गया। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, 22 जनवरी 2018 को कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से कोलकाता में आयोजित 52वें वार्षिक सम्मेलन में ई रत्न ऑफ इंडिया सम्मान प्रदान किया गया है वो है वसुंधरा राजे। तो ये थे आज के बहुत ही इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कैसे लगे आपको क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।